दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है आने वाले समय में जिस प्रकार से महिलाओं के लिए घोषणा करने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये गेम है, जो ये सर्वे है, जो ये चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आएंगी। हाँ, इस पर सतीश क्या कहेंगे आप? अगर मेरी बिल्कुल सत्येंद्र, जो योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, जो योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, वो मानव मस्तिष्क पर प्रभाव तो डालती हैं, किंतु मानव मस्तिष्क भी सिर्फ सुन के भरोसा नहीं करता है, उसे प्रैक्टिकली देखता है। और दिल्ली की जनता तो इसके लिए विशेष बुद्धिमान है, वो बिल्कुल इस चीज को पढ़ेगी, देखेगी, सोचेगी और समझेगी, फिर कहीं निर्णय लेगी कि जो केजरीवाल की रेवड़ी योजना है वो होने वाली क्या है। कि आम के लिए मैंने बताया कि चंद हजार कुछ पैसे बस में मातृशक्ति के लिए केवल सफर, और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, संगठन और अपने परिवार और अपने विधायक के लिए एक विशेष प्रकार का लूट तंत्र खड़ा करके, जो पूरी तो हैक करके उसके केजरीवाल सरकार ने किया है। दिल्ली वो चीज स्वीकार नहीं कर रही है, दिल्ली सब जानती है और दिल्ली स्वीकार करने वाली नहीं है। ये आज से चुनाव परिणाम तक मेरा वीडियो आपको फिर से प्ले करके दिखाना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसने ये बात बोली थी, दिल्ली बिल्कुल से भी केजरीवाल को स्वीकार करने वाली नहीं है, और परिणाम उसी प्रकार के आए हैं, तब आप इस बात को स्वीकार करेंगी। भरत, मैं कहूंगा कि ये तो आने वाला समय बताएगा कि वहां पे क्या होने वाला है। जो हम कालका जी की बात कर रहे थे, कालका जी से आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संभावित चेहरा है वो कौन हो सकता है, जो आपसी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की उनको टक्कर दे सके, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसके बाद जो बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जो है कानपा जी से मैं पहले भी जो है दर्शकों को बता चुका हूँ, और फिर से एक बार जो है दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मीनाक्षी लेखी जो है उनकी चर्चा चल रही क्षेत्र में, हालांकि ये हम अभी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, संभावित माना जा रहा है, क्योंकि जो हमारे टीम के मेंबर वहां पर मौजूद है उन्होंने बात की है लोगों से, तो उनके मन में है कि जो है मीनाक्षी लेखी जो है यहाँ से चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ भी सकते हैं बीजेपी की तरफ से, तो इनका नाम जो है संभावित यहाँ पर लग रहा है कि ये जो है चुनाव यहाँ से लड़ सकती हैं। दिल्ली में एक और सत्येंद्र जो मुद्दा है, क्योंकि अब जिस प्रकार से हर एक मस्जिद का जो मुद्दा चल रहा है सदन में, हमने देखा है कि हर एक दिन जो है हंगामा हो रहा, सदन पूरे तरीके से चल नहीं पा रहा है, तो धर्म के मुद्दे को लेकर पटवा धाम के पीठाधीश्वर महाराज श्री भी हमारे साथ जो है लगातार जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली में जो है इसका कितना जो है प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में महाराज? जी जय श्री राम, आवाज जा रही? हाँ बिल्कुल महाराज जी, आवाज जा रही है जी। बताइए कि दिल्ली में जिस प्रकार से देश के अंदर जो चीजें हो रही हैं, वहां पे सदन पे काम नहीं हो पा रहा है, लोग मुद्दे उठा रहे हैं, मस्जिदों के अलग अलग प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय पे क्या एक धर्म का भी मुद्दा बन सकता है दिल्ली के अंदर? जी जय श्री राम, जय पटवा सरकार धाम की। जी देखो, राजनीतिक धर्म से तोलना जरूरी नहीं है कि धर्म से ही तोला जाए, राजनीतिक अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। जो आज देवकी नंदन जी एक भव्य रैली वो संत समाज को बिठा रहे हुए हैं कि बकबोट के लिए केस को हटाया जाए और वो दूसरा सनातन बोर्ड बनाया जाए, तो हम तो नहीं कहते हैं कि राजनीतिक बैठे, लेकिन यह है कि धर्म का कोई भी मुद्दा उठा के लेके चलो तो उसको व्यक्ति के निगरानी में राजनीतिक ही तोला जाता कि राजनीतिक हो रहा है ये काम जी। और हाँ ये भी जी जी हाँ ये भी हो सकता है जी, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए जी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लोगों को कहना सही है कि जो कि रुझान
शायद बीजेपी को मिल सके जी। तो क्या इसमें इसमें भारत जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर इस बार एक कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि धर्म का मुद्दा भी बनाने की कोशिश की गई है, जिस प्रकार से आपने बताया कि अलग अलग जगहों पे जो मस्जिद का मुद्दा है और ये सदन में उठाया जा रहा है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि जो आने वाले समय पे ये प्रभाव दिल्ली के अंदर पड़ता दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे भारत? बिल्कुल जो है सत्येंद्र, जो है इसका प्रभाव दिल्ली के चुनाव में पड़ता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभाव पड़ेगा भी, लेकिन मुझे लगता है दो इसके दो प्रकार से जो है ये प्रभावी ढंग से होने वाला है दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि वहां की जो पब्लिक है वो अन्य राज्यों की तुलना में शिक्षित मानी जाती है और ज्यादा समझदार कहीं ना कहीं मानी जाती है। तो लग रहा है कि वहां पर जो धर्म का मुद्दा, क्योंकि अब जो है पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं सदन के अंदर जो है मस्जिद की, पहले संभल की बात चल रही थी, संभल के बाद फिर तीन चार जो है मस्जिदों की बात चल रही है, और एक जो कानून देश के अंदर है कि वर्शिप एक्ट जो बना था देश के अंदर, उसमें पूजा करने का जो अधिकार है इस पर किसी भी प्रकार से जो है चेंजेस ना करने को लेकर वो कानून बना था, लेकिन अब जो है लगातार ये चीजें हो रही है, इसकी जो है परमिशन मिल रही, तो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी पर निशाने लगातार साध रहा है, और संविधान को ना मानने को लेकर वो निशाने पर, इसको लेकर सदन हर एक दिन जो है पूर्णतः कार्यवाही सदन की वो नहीं चल पा रही, बीच में ही सदन को स्थगित करना पड़ जा रहा है। कल जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के और जो सहयोगी दल हैं वो सदन से बाहर निकल आए।